उत्तराखंड के गृह सचिव दिलीप जावलकर एक दिवसीय भ्रमण पर रुद्रप्रयाग जनपद पहुंचे। इस दौरान सचिव गृह दिलीप जावलकर ने केदारनाथ धाम की यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा की। यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए सचिव गृह ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि आने वाले तीर्थयात्रियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए उचित प्रबंधन भी की जाए ताकि तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। तैयारी को लेकर काफ़ी शासन लेवल पर भी मीटिंग हुई थी, ऑनरेबल सीएम साहब ने भी मीटिंग करी थी और फिर उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग मीटिंग तो कर ही लेते हैं लेकिन हम लोगों को धरातल पर भी जाके देखना चाहिए कि व्यवस्थाएँ कैसी है और जो है वहाँ पर अधिकारियों की, वहाँ पर बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कोई समस्या तो नहीं है, उसका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है। तो इसी के क्रम में आज मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ था और हमने हमारी पुलिस व्यवस्थाओं के संदर्भ में काफ़ी डिटेल में हमने निरीक्षण कर लिया गया था। नए जो लगभग 50 से ज़्यादा यहाँ पर कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं, हम लोगों के जो कम्युनिकेशन की व्यवस्था है वो काफ़ी अपग्रेड हुई है। इनफैक्ट मैं भी जब यहाँ पर था उसके हिसाब से मैं जब कंपैरिजन करता हूँ तो व्यवस्थाएँ काफ़ी जो है वो इम्प्रूव हो गई है। डिप्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी समय से हो रखा हुआ है, कुछ अतिरिक्त पीआरडी की आवश्यकता जिला प्रशासन ने बताई गई थी, वो भी अभी शासन से उसके आदेश हो गए हैं, वो भी अतिरिक्त व्यवस्था भी आएंगी।